मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मजे ही मजे भाई, हम कहाँ ढूंढ रहे थे और कहाँ क्रैश हुआ यार, ये क्या सीन है भाई। उधर 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 और उल्टी 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 उल्टी। इट्स हार्श यार, दिस इज अ हार्श वर्ल्ड एंड वो कहते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये रियलिटी है। इस दुनिया में, इस नेचर में वही सर्वाइव कर पाएंगे जो फिट हैं, स्ट्रांग हैं और लकी हैं। देखो आगे जाएंगे, बहुत खूबसूरत नजारे मिलने वाले हैं। रात को थोड़े स्नोफ्लेक्स होते बट थोड़े बहुत है। अब ये गाड़ी जाएंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे, पता नहीं कैसी होगी बट स्नो नहीं होगा। बट ये कुछ नजारे ना यार अमेजिंग है। तो चलो अभी कुछ चेंज करते हैं और भाई सारा सेटअप पैकअप करते हैं, पूरा पैक करेंगे। देखो ऐसा कुछ पड़ा हुआ है और इसको देख ज्यादा ठंड लग रही है। रात में पूरी बला ऐसे गर्मी निकल रही थी, अब इसको ठंड पहनी। बहुत जल्दी हो जाएगा स्टार्ट। सो फाइनली हमने गाड़ी लिया GSM एडवेंचर ऑन रोड। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई, बताना जरूर, बोलना नहीं है। ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट करेंगे तो दस ना, ब्रेकफास्ट करके ही निकलेंगे भाई। और कुछ नजारे ऐसे हैं। सो गाइस माहौल कुछ ऐसा बना हुआ है कि हम काफी डीप जा रहे हैं, नीचे भी गए थे, ऊपर चढ़ रहे हैं, पता नहीं एक लोकेशन ढूंढ रहे हैं जहां पे हमारा अच्छा शूट हो जाए। बट लोकेशन बहुत खूबसूरत है यार, बहुत mesmerizing। तो चलो अभी गाड़ी आगे चल रही भैया की, हम पीछे पीछे फॉलो कर रहे हैं। आप सब बढ़िया रहेगा। एक्चुअली हुआ क्या है, हमारा ड्रोन क्रैश हो गया है तो उसे ही ढूंढने जा रहे हैं कहाँ हुआ है।
और ये ना ढीलू हमारा आराम आराम से आएगा। तू बैठ जा, कुछ लिपना जल्दी बैठ जा। तो हो गया यहाँ पे क्रैश, ढूंढ रहे हैं कहाँ हो सकता है पॉसिबिलिटी। हुआ यहीं कहीं है, बीप वाला सिस्टम है, बट वो मैप में लोकेशन भी दिखाता है। समझ नहीं आ रहा है, या अगर इस पे कहीं अटका तो मैं ले आऊंगा। अब दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये टर्न है, चलने दे चलने दे, अभी पहला पेड़ आने दे। ये गया, ये मतलब इसका मतलब आप ये हो, तो इसकी हाइट से लेवल पे ऊपर हो, ऊपर हो आप, नीचे नहीं हो आप, ऊपर हो आप, रोड से ऊपर हो, नीचे मत देखो। ठीक है, ठीक है, सेंटर में हो। ये वाला पेड़ को, ये वाला पेड़ कहाँ है? ये वाला छोटा सा, ये बड़ा पेड़ है, ये वाला देख रहे हैं। ये जो कैमरे में ना ये वाली सीढ़ी कुछ दिखाई दे रही है शायद, बट समझ नहीं आ रहा है कौन सी हो सकती है। अब शायद नीचे कहीं ड्रोन गया है, और वहाँ जाना ना बहुत खतरा है, बट मैं जाने की कोशिश करेगा भाई। तो फाइनली ड्रोन मैंने मिल गया है, यहाँ से ऊपर पड़ा हुआ था भाई, वहाँ नहीं था, यहाँ कहीं था, और ड्रोन मिल गया। यस यस, ऑन है, ये ब्रो ले जाओ उनके पास, उनके पास ले जाओ। सो फाइनली ड्रोन, बट नीचे जाना बहुत डिफिकल्ट होगा, तो चलो लेट्स डू इट ब्रो। भाई साहब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है भाई, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मजे ही मजे भाई, हम कहाँ ढूंढ रहे थे और कहाँ क्रैश हुआ यार, ये क्या सीन है भाई। भाई मान गए गुरु, मान गए यार, मतलब अपनी ना अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। मैं सोच रहा हूँ यहीं पे और पता लगा वो वहां पे क्रैश हुआ है यार। दिस इज सो बैड ऑफ मी, मतलब मेरी जजमेंट सच में इस बार गलत हो गई, बट शुक्र है यार ड्रोन मिल गया, सच्ची बता रहा हूँ। एंड यार रोड पे ना इतनी आइस है कि ना स्किट हो रहे हम लोग। देखो देखो भाई, ये देखो पैर कैसे जा रहे हैं, हमारे टायर बेकार है, ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं। हाँ हमारे पैर के टायर बेकार है, गाड़ी के बहुत बढ़िया है, देखो कोई कहीं भी ग्रिप नहीं छोड़ी है। बट भाई दिस इज खुशी का मौसा, बट भाई दिस इज खुशी का मौका यार, जश्न मनाना चाहिए हमें। आज रात को फुल पार्टी करेंगे भाई, पार्टी करेंगे, आप समझ सकते हो, क्योंकि मैंने ना एक बार को गिव अप कर दिया था, मेरे को लगा यार गया, मतलब लाख रुपए का चूना लग गया, और वो दोबारा उड़ा दिया उसने। ओ भाई साहब, हाँ बेबी पापा पास आ जा, पापा बेबी, आज तो मैंने तुझे खो ही दिया था मेरे नन्नू मेरे प्यारू। अब मैं भाई इसको बहुत संभाल के उड़ाऊंगा सच्ची में, मतलब फील, जिसका ड्रोन घुमा होगा ना वो फील कर पाएगा कि मैं क्या फील कर रहा था इस टाइम पे। एक तो ना कल का भी डेटा था जो हमने कॉपी नहीं किया, मेरा प्यारा नन्नू। चलो घर चलेंगे सेफ एंड साउंड, प्यार से, और रिस्क ना कैलकुलेट करके लेंगे, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ जी भाई लोग, कहाँ से कहाँ से सही है, तुम्हें उम्मीद थी हमसे मिलने की? नहीं हम तो ऐसे खड़े हुए थे, क्लास देख रहे हुए थे। किन्हें क्लास देख रहे थे? ये भोलेनाथ ने मिलवाया फिर, पक्की बात है। हाँ जी कैसे हैं आप? बढ़िया, सही टाइम पे मिल गए भाई, आपको स्टिकर भी देंगे हम लोग। थैंक यू, ये फोटो भी खिंचाएंगे जल्दी से, आ जाओ। बढ़िया भाई, ऑल योर लव, आ जाओ पहले फोटो खींच लेते हैं। हरियाणा के छोरे मानते ना है भैया जी, देख रहो ये हरियाणा के छोरे मानते ना है। गाड़ी नंबर दिल्ली का है, बट लौंडा सोनीपत का है, कहने की बात है। देखो यहाँ इसको दिख गया है नेचुरल वॉश, फ्री वॉश, तो एक सर्विस स्टेशन खुला हुआ है बाय नेचर विच इज गिविंग यू अ फ्री वॉश, और भाई साहब ने गाड़ी वहां लगा ली है, गाड़ी बढ़िया से धुल रही है, ये सेक्सी बढ़िया। दो दूंगा, दो का एक लो भाई, लो तुम भी क्या याद रखोगे। सिद्धार्थ जी का कितना बड़ा दिल है और कितना बड़ा पेट है, कितना बड़ा गाड़ी है, सब बड़ा बड़ा है। पुलिंग, लेट्स डू सम एडवेंचर, लेट्स हैव सम फन। उधर 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 उधर, और उल्टी 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 उल्टी, ये अब ये पास पा 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 पा।
भाई एक बड़ी मस्ती चीज आइडिया आया सैम भाई को। भाई नेचुरल वे में पानी आ रहा है और यहाँ धो लेते गाड़ी, धुली नहीं थी। ओ भाई भाई पूरी धुल गई। छोड़ने से पहले छक्कल तो दिखा दो हमें, छोटे छोटे बच्चों। मुझे लग रहा है दिख नहीं रहा है अभी, बहुत छोटे हैं, पता नहीं क्या सीन है यार, कुछ समझ नहीं आ रही इनको, है ना। थोड़ा नीचे छोड़ दे, रोड पे नहीं घूमते हुए। मम्मी कहाँ है तुम्हारी? इट्स हार्श यार, दिस इज अ हार्श वर्ल्ड एंड वो कहते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये रियलिटी है। इस दुनिया में, इस नेचर में वही सर्वाइव कर पाएंगे जो फिट हैं, स्ट्रांग हैं और लकी हैं। देखो किस्मत भी बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बुरा लगता है, हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बट फिलहाल नीचे छोड़ने गया हर्षित। वो वहाँ नीचे देखो प्यारे प्यारे बच्चे, वहाँ नीचे, वो नीचे भाई देखो। भाई साहब ये क्यों लिया है? अरे तेरे को कहानी सुनाऊं? हाँ। वो आंटी बोल रही है कोई छोड़ गया हमारे यहाँ भी, हमारे पास खुद खाने का नहीं है, हम इसको क्या खिलाएं, रोड पे आ रहे हैं मरने को, एक मर चुका है ऑलरेडी, तीन बचे हैं। वो कह रही है 1.5 किलोमीटर के बाद ये आर्मी का कैंप है, वहाँ छोड़ दो, उसके आगे उनको खाना तो एटलीस्ट मिल जाएगा, हमारे पास तो खुद खाने को नहीं है। यार सच में अच्छा है, ये कसम से बहुत बढ़िया। अरे यार हमसे देखा नहीं जा रहा भाई, बीच रोड पे बिल्कुल। हाँ मैं तो करो खड़ा गया था, खड़ा था ऐसे, हम तभी तो इतनी देर रुके। दो और मैं सोचा नीचे छोड़ाता हूँ, दो हाथ लग गए थे, तीसरा पाइप के अंदर घुस गया था। नहीं यार अभी कुछ नहीं दिया, आगे चल के करते हैं खाना, खाना पीना कराते हैं इनको, डन भी है, और फिर छोड़ते हैं कहीं सेफ जगह, है ना। थैंक यू सो मच भैया, बहुत बढ़िया। बाय 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 बाय। सो भाई हमारे जो तीन डॉग्स हैं ना, इनकी नई फैमिली है, ठीक है, लेट्स होप। हमने इनको बोल भी दिया कि 2-4 दिन में हम वापस आएंगे। मजाक नहीं कर रहा, गूज़बम्स आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है यार, क्या था और भगवान ने हमें इनके लिए भेजा। नहीं अच्छे लोग हैं, एक्सेप्ट कर लिया, लग रहा है कि काफी लोगों ने रिजेक्ट किया रास्ते में, बहुत वो लग रहा है। नहीं वो बात है, देखो हम बहुत जगह पे पूछा है हमने, बहुत लोगों ने रिजेक्ट किया है, फाइनली एक जगह है जहाँ पे डॉग्स को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इनके पास पहले भी डॉग है। ये देखो ऑलरेडी खेलना चालू हो गया वो छोटा वाला डॉग। गॉड ब्लेस एवरीवन यार, नॉट एवरीवन इज सो लकी, इट्स वेरी इमोशनल मोमेंट। देखो भाई यहाँ भी हम किसी को मिलने के लिए आए हैं, विजय भैया हैं, हर्षित के जानकार हैं, तो इनका ढाबा है बिल्कुल संगम पॉइंट पे, तो यहाँ रुकेंगे, कुछ खाएंगे बढ़िया सा। एंड अभी के लिए मूड सबका दोबारा से चिलाक्स हो गया, हवा भी बहुत ठंडी चल रही है, और यहाँ देखिए एक हस्की है, खूबसूरत बना हुआ है, बट बहुत क्यूट ही। अक्सर दूसरा मौका नहीं देती है, बट हमें दूसरा मौका मिल रहा है तो इसको ले लिया जाए। तो अभी अभी जरा बताते हो क्या रहा है। अभी जो हमारा हमारा एक बंदा रह गया है ना, जो हमारा एक इधर मेरी तरफ लाओ, जो हमारा एक बंदा रह गया उसको वापस बुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ज्वाइन कर। ये बंदा है सेम द राइडिंग वीज, और मैं अकेला आ गया और मुझे ही बोला मैं चड्डी बंडी डाल लेता हूँ, आ जाता हूँ, आया नहीं भाई साहब, धोखा दे गया भाई, धोखा। तो राजमा वगैरह खा लिया, मेरे को राजमा खाने से खा लिया, थोड़ा बहुत पेट बुझा गया। आप सीधा रुकेंगे ताबू, ताबू में अपना स्टे होगा, और वहीं रखेंगे, काजा नहीं जा रहे हैं, ताबू तक ही जाएंगे, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, स्लिपरी रोड्स हैं, बहुत ज़्यादा स्नो है, तो नहीं जाएंगे भैया। ताबू 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 ताबू, नॉट ताबू, ना तब्बू, ना ताबू, ताबू ताबू। गाइज लोकेशन देख के रुकना था, बनता था, और भाई ये देखो लोकेशन अमेजिंग यार। बिली बाजी को दे दिया लड्डू के साथ सिड्डू, तो वहां भी अपना शूट चल रहा है, वो लोकेशन कुछ ऐसी है। आपने अभी मैं इस वीडियो में ना मैंने बहुत ज्यादा लोकेशन को शेयर किया, क्योंकि नजारे ही देखने लायक थे यार, और कुछ भी नहीं, अमेजिंग। और कालू सेकेंड टाइम यहाँ आया है, सच में यार लव है तू, और अमेजिंग, बहुत मजा आ रहा। ठंड है
टेम्परेचर कम से कम -7 degrees होगा यहाँ पे, कम से कम स्नोफॉल हुआ है, लाइव स्नोफॉल है, मतलब फ्रेश है, बिल्कुल कम हुआ है, पतला है, फ्रेश है। ओह भाई साहब, बच गया अभी थोड़ी देर में। मजे बुलेट प्रूफ हो गया भाई। सो गाइस, याद है ये लास्ट एपिसोड में देखा था नाको में मेरा जो कैफे था, अभी हम जा रहे हैं नाको लेक, और वो मेरा स्टिकर अभी भी लगा हुआ है, देखो वेंचर ऑन रोड का स्टिकर अभी भी लगा हुआ है। सो फाइनली नाको पहुंच चुके हैं, अभी चलेंगे नाको विलेज जहाँ पे नाको लेक जाएंगे। तो फाइनली एंट्री करते हुए वेलकम टू नाको विलेज, ग्राम पंचायत नाको में आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सो फाइनली पहुंच गए हैं नाको लेक, गाड़ियां कुछ ऐसे खड़ी कर दी हैं, और यहां से हम नीचे जाएंगे, और ये आपको देख लीजिए नाको लेक है, अभी नीचे चल के आपको दिखाते हैं नाको लेक। ये पूरी फ्रीज हो जाती है, लास्ट टाइम आया था मैं जब भी फ्रीज थी, और ये पूरा इस पे वॉक कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो नीचे है पूरा नाको लेक,